हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में आज की बात करें तो ऑफकोर्स जो कि 5% अपर सर्किट पे लॉक हो गया था। बीच में ब्रेक भी हुआ है इवन काफ़ी टाइम तक, बट एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगी यहाँ पर, काफ़ी बड़ी चीज़ है। वो चीज़ क्या है वो भी इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगी, प्लस एक जो कि अपडेटेड इवन एक दो दिन पहले की न्यूज़ भी है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ट्राइडेंट को लेके, वो न्यूज़ भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की बात करें 16.95 रुपये आज का ये लो की बात करें, 16 रुपये इसका आज का लो है। बाउंड वीक हाई की बात करें, 19.30 रुपये इसका बाउंड वीक हाई है। लो की बात करें, 4.45 रुपये इसका बाउंड वीक लो है। सो गाइज, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो टोटली पीक पर है अभी एट प्रेजेंट। अगर ट्राइडेंट की बात करें तो जो इसका बाउंड वीक हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके जो एनालिसिस की बात करें तो इस स्पोर्ट एनालिसिस में जो कि स्ट्रेंथ 8 स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आती है, 3 वीकनेस भी है, ऑफकोर्स 3 अपॉर्चुनिटीज भी है, थ्रेट कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, सो स्ट्रेंथ जो कि राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लस एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें वीकनेस की तो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लाइनिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट, फर्स्ट रेसिस्टेंस, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक्स लो, RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ एंड कोई थ्रेट इसमें नजर नहीं आ रहा। सो गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मोर देन 4.25 करोड़ यहाँ पर जो कि क्वांटिटी जो कि वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ है, इट मीन्स कि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है जो कि ट्राइडेंट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज की बात करें, एक मोटी क्वांटिटी ऑफकोर्स जो कि यहाँ पर जो कि अभी बाय करने के लिए लगी हुई है, काफ़ी मोटी क्वांटिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एंड इसके अलावा अगर सेंटिमेंट की बात करें तो इसका सेंटिमेंट भी काफ़ी इवन बेटर है, 86% बाय, 5% सेल और 9% होल्ड करने का सेंटिमेंट अभी एट प्रेजेंट ट्राइडेंट में नज़र आ रहा है। एंड अगर बात करें इसके कॉमर्शियल की जो कि फाइनेंशियल की बात करें तो इसका मार्च का जो क्वार्टर है जो कि जिसमें रेवेन्यू ऑफकोर्स जो कि इंक्रीज हुआ है, अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर बात करें ईयर ऑन ईयर, दोनों साइड से यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं गाइस, तो नेट प्रॉफिट में ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि डाउनफॉल देखने को मिला है, बट ईयर ऑन ईयर ऑफकोर्स जो कि डबल इसमें यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट में है। एंड इसके अलावा अगर बात करें होल्डिंग की तो 73% प्रमोटर होल्डिंग है, अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की 22.4% पब्लिक होल्डिंग है, अगर बात करें अदर्स की 1.97% अदर्स की होल्डिंग है, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 1.68% होल्डिंग है, इसके अलावा अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 0.93% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। मीन्स की काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है 73%। एंड ऑफकोर्स जो कि अगर डाउन जा रहा है, इट मीन्स कि ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है इसको इसकी जो होल्डिंग और इंक्रीज करने के लिए। तो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें मार्च क्वार्टर की तो होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज की है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 0.07% जो कि चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जबरदस्त कंडीशन यहाँ पर ट्राइडेंट में नजर आ रही है। न्यूज़ पर चलते हैं जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी काफ़ी पुरानी न्यूज़, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है ऑफकोर्स, वो देखते हैं। ट्राइडेंट इश्यू कॉमर्शियल पेपर वर्थ ₹50 crore स्टॉक एंड लोअर। सो गाइस, 50 करोड़ का कॉमर्शियल पेपर इसने इश्यू किया था जो कि मेच्योरिटी डेट होगी अलॉटमेंट की जो 28 जून 2021। सो गाइज, ये न्यूज़ जो कि अप्रैल के एंड में ये न्यूज़ आई थी, ऑलमोस्ट एंड में 28 अप्रैल को ये न्यूज़ आई थी, और 2 दिन पहले की न्यूज़ बताएं तो फिर ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपको नज़र आ रही है कि टेक्सटाइल फर्म ट्राइडेंट प्लान्स टू रेज अप टू ₹1100 करोड़, जो कि 1100 करोड़
जो कि फंड रेज करेगा, काफ़ी बड़ी न्यूज है। द बोर्ड ऑल्सो रिकमेंडेड द फंड रेजिंग रिजोल्यूशन टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट मीटिंग इट शेड। सो गाइज, ये 15 मई को ये न्यूज आई थी, काफ़ी बड़ी न्यूज है। टेक्सटाइल एंड पेपर मेकर ट्राइडेंट लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज अप टू ₹1100 करोड़ फ्रॉम द मार्केट बाय इशूइंग NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर्स इन ट्रेंचेज। द कंपनीज बोर्ड ऑन सैटरडे अप्रूव्ड रेजिंग अप टू ₹600 करोड़ बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड अप टू ₹500 करोड़ थ्रू इक्विटी शेयर्स, ट्राइडेंट सेड इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग। द बोर्ड ऑल्सो रिकमेंडेड द फंड रेजिंग रिजोल्यूशन टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट मीटिंग इट एडेड। बिसाइड्स इट ओकेड द अपॉइंटमेंट ऑफ नवीत जिंदल एज CEO फॉर पेपर केमिकल्स एंड एनर्जी बिजनेस ऑफ द कंपनी, स्वपान नाथ एज CEO फॉर बुधनी लोकेशन। बोथ द अपॉइंटमेंट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम 15th of May 2021। नाथ इज करंटली हेडिंग द होम टेक्सटाइल्स ऑफ ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ऑल्सो इन्फॉर्म BSE दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड चेंज इन designation of Rajiv Dhawan to act as chairman of the board of the company with an immediate effect. Its board also approved the resignation of Pallavi Sharaf as director of the company with immediate effect and the appointment of Usha Sangwan as additional director. So guys, ye kaafi badi news nikal ke aa rahi hai ki 1100 crore ka fund raise karega ट्राइडेंट, जिसमें से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू जो कि 600 करोड़ इश्यू करेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिमेनिंग जो 500 करोड़ है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो कि ये फंड रेज करेगा। जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर इवन जो कि ट्राइडेंट को लेके आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें इसके टारगेट की तो ऑफकोर्स एक टारगेट भी यहाँ पर सेट किया गया है मोतीलाल ओसवाल ने, 18.4 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है। एंड ऑफकोर्स जो कि जिस तरीके से जो सिचुएशन है अभी एट प्रेजेंट, अगर ट्राइडेंट की बात करें जिस तरीके की सिचुएशन है, कुछ ही टाइम में ये टारगेट अचीव कर लेगा। सो गाइस, इसको इकट्ठा कर सकते हैं। इवन काफ़ी टाइम मैंने पहले भी ट्राइडेंट को लेके वीडियो शेयर की है और हर बार मैंने रिकमेंड किया है, लंबे टाइम के लिए एक बड़ा बेनिफिट आपको दे सकता है। सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।